गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा। सच्ची बोल रही हूँ, ज़रूर 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 देखना ये व्लॉग को। अभी पीछे देख लो, सारा बैग ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, सब सामान अभी तक मैंने पैकिंग नहीं किया है। अभी गाड़ी में आगे बात करते हैं, कहाँ जा रहे हैं? NDA। बज चुका है 7 और हम घर से निकल चुके हैं, और ये पीछे का है सो हाय। नाइट सूट पहन के क्यों चल रही है? ये नाइट सूट है, दिस इज लाउंज वेयर। दीस गाइस डोंट नो एनीथिंग। इधर सर्वेश जी गाड़ी चला रहे हैं और हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी 7 बजे। अभी शुरू किया माऊ से, और माऊ मतलब इंदौर समझ जाओ यार, जिनको माऊ नहीं पता है। गूगल मैप दिखा रहा है हमें कुछ 11.5 घंटे यहाँ से अभी, तो आज रात को पहुँचने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं हम अपना मजेदार सफर आज का। 1 घंटा हो चुका है हमें चलते हुए, और मौसम बहुत ज्यादा सुंदर हो चुका है, लग रहा है बारिश आने वाली है। सोमिल दादा उधर अपना कैंडल रीडिंग चल रही है, मैं एकदम मस्त बैठ के अपना मेडिटेशन कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे भी गाड़ी चलानी है ना। विल स्वैप देख रहे हैं, सच्ची चलाऊंगी अभी यार। आई विल गिव अ ब्रेक टू यू ऑल्सो, क्योंकि इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी। इतना सुंदर मौसम, मेरा मजा तो बहुत आ रहा है। मतलब क्या ढूंढते हो आप? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे यार, और करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। स्वामी वांट टू गो आउट नेचर्स कॉल। अबे ये तो पहले ही पहुंच चुका है, मैं बोल रही हूँ ये देखो। गो ऑन आल्सो सो मैंने तुझे रिकॉर्ड कर लिया, आके लड़ाई करेगा मुझसे। तब तक मैं निकाल लेती हूँ ब्रेकफास्ट। ये रहा हमारा बैग, अब निकालते हैं हम इसमें से अपना ब्रेकफास्ट। आ गया सोम बाबा भी। गया हाथ धो, चलो जाके। डोंट टच मी सोम, बिहेव। क्या लाई है ब्रेकफास्ट में? पुलाव। ब्रेकफास्ट में हमारे पनीर रोल्स है, और है ये आइसक्रीम है तुम्हारे लिए। इतना पागल मत बना, पनीर दे। देख क्या है, दिस इज रेड वेलवेट केक, दिस इज ब्लैक फॉरेस्ट केक। क्योंकि सर्वेश का बर्थडे था भाई कल, तो वो केक हम लेके आए थे, किसी ने खाया नहीं है, तो सोचा। तो आज हम पैक ब्रेकफास्ट इसलिए लेके आए हैं क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपने देख लिया होगा हमने कितने भटूरे खाए थे। तो आज आई डिड नॉट वांटेड टू यू नो स्टार्ट आज ही से, उसके बाद 3-4 दिन तो बाहर ही खाना है। चौरा बोल, चौमिन चौरा कैसा है? इतना गंदा बढ़िया क्यों बोला भाई? वास भी हमारे पास चाहिए, गुटका नहीं है, खजूर है, स्वीटेंड खजूर। स्कूल में पूछेगी ना टीचर मम्मी क्या करती है, बोलूंगा पान मसाला की ऐड में आती है। मैं क्यों करूँ पान मसाला की ऐड में? पहले ही कर लिए फ्री में पैसे। अबे माउथ फ्रेशनर है वो। चलो कुछ बाहर फोटो ही खींचते यार, वेट कर रहे हैं यहाँ पे कोई तो। बारिश शुरू हो गई है भाई, हम उतरे फोटो खींचते और शुरू हो गई है बारिश। सोम को मैंने पूछा केक, कह रहे नहीं अभी नहीं खाना, और अभी वापस आए तो खत्म। 7 घंटे की ड्राइव और है, और ये सोमिल के इसमें ना बहुत प्यारी सी कार लगाई हुई है इसने यार GPS में। हाउ दे आर टेकिंग देम यार। अब हमारी बारी आ चुकी है ड्राइव करने की, सर्वेश सर कर रहे हैं रेस्ट पीछे, और अब देखना मैं कितनी जल्दी पहुंचाने वाली हूँ आराम से। वो देख सामने पिरामिड्स, मैंने तुझे इजिप्ट पहुंचा दिया ड्राइव करते करते, इतना बढ़िया ड्राइव किया। सर्वेश अपना फेवरेट गाना बताओ जो मेरे लिए डेडिकेट करना चाहते, वही चलाएंगे। तू मुझे जान से भी प्यार है। ओए होए, 3 बज गए, अब हम सोच रहे हैं लंच किया जाए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला लंच के लिए। छोटा सा एक ढाबा दिख रहा है, ये भी स्किप हो गया, तो इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर। यार यादव कैसा लग रहा है ये ढाबा आपको? यहाँ पे मिल रहा है मिसल पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव खा, वड़ा मराठा, जय महाराष्ट्र हो गया।
आज मुझे सुबह से चिढ़ा रहे मेरे कपड़ों के लिए, हद हो गई, हमेशा चिढ़ाते रहते हैं, कुछ पता है नहीं। अरे इतनी जल्दी आ गई है। दिस इज वड़ा पाव। किसने मंगाया? मुझे नहीं पता, तुमने ही मंगवाया होगा। स्वामी के लिए बस ये है सैलड में भैया दे के गए, यहाँ पे कच्ची आम भी है। खाए इसको यार, कच्ची अम्बी है, माय गॉड। इतना अच्छे से खा लूंगी यार, भैया को लगा तुझे ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा। चलो आ गया यार, सोमिल का पनीर है और रोटी मंगवाया है इसने। मैंगो लस्सी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है यार, कोई लोकल कंपनी है भाई। खाना तो बहुत टेस्टी हो रहा है, सब कुछ अच्छा है और इतनी क्विक सर्विस है, मज़ा ही आ गया। हमारा खाना हो चुका है, गाड़ी को भी कुछ खाना खिला देते हैं, पेट्रोल फिल करा लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं अपनी जर्नी। खाने से टेस्टी तो पेट्रोल लगता है यार, है ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। किस किस को पेट्रोल की खुशबू पसंद है कमेंट करके बताना। मैं तो कहता हूँ पूना। चाय पीने के लिए रुके हैं अभी हम, ये कुछ है इधर, यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है। पीने तो गए थे चाय, लेकिन अंदर जाके इतना इंटरेस्टिंग सा मेन्यू था तो हमने बहुत सारी आइसक्रीम्स ऑर्डर की। हो गया चलो, लेकिन इतनी मीठी आइसक्रीम्स और इतनी ज्यादा क्वांटिटी थी, हो गया, मजा नहीं आया यार, ज्यादा अच्छी नहीं थी। लास्ट टाइम जब हम यहाँ से आए थे पूरा ग्रीन था और एकदम अभी सूख चुका है, इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब मेरी टर्न खत्म हो चुकी है और मैं आराम से बैठ के एंजॉय कर रही हूँ और इधर सेवेज चला रहे हैं गाड़ी। 7 बजे हम एंटर कर चुके हैं पुणे में और इतना ज्यादा ट्रैफिक है भाई, मूव ही नहीं हो रहा, बिल्कुल खड़े हुए हैं हम तब से। बैठे थक गए हैं, अब हमारे फोन की बैटरी और हमारी बैटरी दोनों ही डिस्चार्ज होने वाली है। पहुंच गए हम, बस अभी इधर एंट्री करना है। ये हमारा जेब, अब हम करते हैं चेक इन, अंदर चेक इन जल्दी से। मैं तो अपने दोस्तों के साथ इतना बिजी हो चुका, हमें तो देख ही नहीं रहा है। 25 years आई नो सोमिल, तुम्हें मेरी कंपनी दे देना यार, आई एम फीलिंग लेफ्ट आउट। सो मजाक कर रही हूँ यार। हमारा रूम नंबर 420 है। अरे अरे 21 ये रहा ना, ये आ गया। सोमिल फिर से मेरे पीछे पड़ चुका है, चलो जिम यार, ये लड़का थकता ही नहीं। अभी बज चुका है ऑलरेडी 8 o'clock एंड वी हैव अ डिनर एट 8:30। फटाफट से चेंज करते हैं और चलते हैं, निकलते हैं। कहाँ जा रहे हो? जिम। सोम प्लीज यार। ओके सो वी आर रेडी, आई हैव चेंज और यहाँ की जो लाइट है बहुत ज़्यादा येलो एंड डिम है रूम में। आई डोंट नो हाउ माई मेकअप हैज कम आउट टू बी, आई जस्ट होप बाहर जाके मैं ऐसे भूत जैसा ना बन जाऊँ। और एक गड़बड़ कर दिया कि मैंने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया था, एज यूजुअल चार्जर ऑन नहीं हुआ, तो अभी इसमें बस 10% बैटरी है। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू कवर अप द होल इवेंट, लेट्स सी। जल्दी से बस फुटवेयर इज लेफ्ट, आई एम जस्ट गोना वेयर दीज फुटवेयर। क्या पहना जाए, व्हाइट या ब्लैक? व्हाइट विल गो विद दिस वर्क, बट आई थिंक ब्लैक विल लुक वेरी स्टाइलिश बिकॉज़ द व्हाइट वन आर वेजेस, लेट्स वेयर दीज वंस। जल्दी से पहन लेते हैं, सोम जिम से आए और फिर मुझे वो रेडी भी नहीं होने देगा। वेश इज ऑल्सो गेटिंग रेडी। तो हम लोग जा रहे हैं, सोम जो है वो डिनर के टाइम पे आ जाएगा, थोड़ा सा भी नहा रहे हैं तो उसके बाद ही जॉइन अस देयर ओनली, क्योंकि डिनर यही है नीचे। तो कम इन माय ब्लॉग। 12 बज चुका है, अभी हम घर में आए हैं और सुबह 7 o'clock निकल जाएंगे यहाँ से रेडी होके। सोम कैसा लगा? बहुत अच्छा था, मजा आया। गुड मॉर्निंग, वी आर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट। मैं तो ऐसे लग रहा हूँ अभी सोई हुई हूँ।
सुबह का बज चुका है 5:30 एंड वी हैव टेकन शावर और हम रेडी होना है, चेंज करेंगे ब्रेकफास्ट के बाद, जल्दी से करके आते हैं, सो वी विल रन दिस लेटर। वी आर रेडी, चलो, इतना शोर हो रहा है, वी आर रेडी, आवर बस इज आल्सो रेडी। So we all are going in the buses from here and the ceremony starts. ये भी चल रहा है हमारे साथ आज। We took 15 to 20 minutes to reach our venue. और आज का हमारा first event था wreath laying ceremony. So this is a ceremony where we pay tribute to the soldiers who lost their lives. It was quite a nostalgia. इस event के बाद सीधा हम पहुंचे group photograph के लिए at this beautiful location. First event is done. बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है and we are having samosa sandwich. भूख भी लग रही है और गर्मी भी लग रही है. We had our refreshment. Now we are going for some movie. Some you are enjoying. बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी थी एंड आई एम श्योर आपको क्लिप्स देख के तो थोड़ा थोड़ा फील आ ही गया होगा। उसके बाद हम पहुंचे सीधा लंच के। खूब भर के लंच किया, लंच बहुत ज्यादा अच्छा था। नाउ वी आर गोइंग, वी विल जस्ट चेंज एंड देन वी विल गो फॉर एनडीए दर्शन। लंच करके हम आए यहाँ पे भी एनडीए दर्शन के लिए। एक एक स्पॉट हम घूमेंगे और एंजॉय करेंगे, सब लोग घूम रहे हैं। इन लोगों से भी मिल लो, ये कौन है, ये कौन है, अब हम ये देखने आए। इसके बाद हम पहुंचे अपने नेक्स्ट स्पॉट पर। भाई ये तो बहुत ही सुंदर था, पानी एंड इट वाज सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल द साइड्स। उफ, इट वाज सच अ ब्रेथ टेकिंग व्यू, मजा ही आ गया। एंड यहाँ पे हमने स्पेंड किया कुछ आधा पौन घंटा क्योंकि बहुत अच्छी जगह थी, बहुत मजा आ रहा है। इतनी प्यारी यहाँ पे कोयल बोल रही है। सवेश, आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। यस, मैं ही तो हूँ कोयल, कौआ है कौआ। शाम का बज चुका है 4:30 और हम अभी यहाँ पे सब जगह आराम से घूम रहे हैं और बिल्कुल मजे की बात ये है कि यहाँ गर्मी नहीं लग रही है। We are going to see Savish room now. सवेश तो इतना नॉस्टैल्जिक हो रहा था, एक एक छोटा छोटा स्पॉट जहाँ वो बैठता था, पढ़ता था, यहाँ तक के वॉशरूम्स तक भी दिखा डाले। These were those iconic bicycles which were issued to us. इनमें जाते थे? Yeah, ज्यादातर ये सिर के ऊपर होती थी। है तो बहुत अच्छा, पर यार मन कैसे लगता होगा यार, मन लगाने के लिए टाइम ही नहीं होता ये सब चीजें। कितना शांति हो रही है अभी यहाँ पे। हम लास्ट टाइम भी विजिट किया था, बहुत अच्छे शेक्स मिलते हैं, फ्रेश शेक्स, बट इट्स क्लोज टुडे, आई एम मिसिंग दिस। अब क्या चल रहा है? मूंग दाल, मूंग दाल, या ये बोलते हैं आइसक्रीम चाहिए मैम? नहीं नहीं थैंक यू, वी आर हैविंग समोसा। आपका नाम वैसे मैंने कोकल रख दिया, आइसक्रीम चाहेंगे। खा खा के ऐसा हाल हो चुका है, इतना खाना खाने में लगे हैं 2 दिन से। हाँ हाँ सोमिल, क्या खाया तूने? समोसे पे समोसे, सैंडविचेस, समोसे, पूरी, यही खाने में लग रहे हैं। पिछली बार हमारा था छोले भटूरे और इस बार हमारे हैं समोसे। ये बहुत स्मार्ट है, इसने कुछ नहीं खाया, ही विल जस्ट हैव जूस और समथिंग। तो अब हमारा हो गया ये सब। हमारा यहाँ पे इन लोगों का एक मार्केट था जिसमें हमने ये सब समोसे वमोसे खाए हैं। दे हैव गॉन फॉर सम मोर शॉपिंग, सम टी शर्ट्स एंड ऑल। और यहाँ पे हमारी लग चुकी है तो बसेस आर वेटिंग, इसमें हम अब जाएंगे और वापस अपना चलेंगे होटल। पूल बंद होने वाला, अब इसको आते ही स्विमिंग पूल में जाना है। सोम तो भाग गया आते ही स्विमिंग के लिए और जिम चला गया, और मैं सोचूं कर लूं थोड़ा सा काम क्योंकि सुबह से बहुत सारी मेल्स आई हुई हैं, उनको जवाब ही नहीं दिए हैं। सो आई जस्ट डू सम ऑफ माय वर्क और फिर देखते हैं कि आगे क्या किया जाए। गुड मॉर्निंग, वी आर अरे यार लिफ्ट में, एक मिनट लिफ्ट में प्रेस करने तो पहले, नहीं तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे ग्राउंड पे। गुड मॉर्निंग, तो हम तो रात को ऐसा सोए कि बस पता ही नहीं चला, वी वर सो टायर्ड। फाइनली किसी तरह उठ के ब्रेकफास्ट मिल गया, हमने ब्रेकफास्ट किया, नाउ वी आर गोइंग आउट। थोड़ा सा सोच रहे ड्राइव करके आए, लोनावला तक जाके आए क्योंकि आज शाम को हमारा इवेंट है, तब तक वी आर फ्री। यू वॉन्ट टू कम? कम। वी
वीडियो बनाने के चक्कर में मैं ऊपर चली गई थी, अब दोबारा नीचे जा रही हूँ. जल्दी से निकलते हैं बिकॉज वी हैव टू कम बैक बाय 3. क्या सुंदर ड्राइव थी लोनावला की. बारिश हो रही थी, अच्छा सा मौसम हो गया था और हम पहुंचे देखने 9 पॉइंट को. हालांकि वहां पे कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं है, बट आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू सिट एंड हैव अ फैमिली पिकनिक, फ्रेंड्स पिकनिक सॉर्ट ऑफ थिंग. तो हम वहां से निकले और भूख लगी थी, हम सीधा पहुंचे कुछ खाने के लिए. ज्यादा कुछ ईटिंग स्पॉट्स तो हमने एक्सप्लोर नहीं किए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था. सो ऑन अ वे वी सॉ दिस फूड कोर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग. ऑर्डर करके हमने सोचा की जाए कुछ शॉपिंग क्योंकि पुणे में चिक्की तो लेना बनता है एंड आई थिंक मगनलाल कुछ काफी फेमस है क्योंकि बहुत आउटलेट्स मुझे नजर आए वहां पे. मैंने ट्राई किया मिसल पाव जो कि इतना गर्मा गर्म मजेदार बना हुआ था. सोम एंड सर्वेश ने अपना अपना कुछ ऑर्डर किया. ये सब के बाद मीठा तो खाना बनता ही था और यहाँ पे था एक आइसक्रीम पार्लर जो कि बहुत ज्यादा टेम्पटिंग था. काफी इंटरेस्टिंग सा मेन्यू था तो हमने सोचा ट्राई किया जाए कुछ फ्रेश फ्रूट संडे. एंड बस क्या ही बताएं, इतना टेस्टी, एक के बाद एक बस हम ऑर्डर करते गए एंड वी हैड आई थिंक 4-5 आइसक्रीम्स. खा पी के हम निकले वापस अपने रास्ते पर. वापस आ गए हम रूम पर. इज इरिटेटिंग मी यार, किसी डॉग की आत्मा घुस गई है इसके अंदर लग रहा था. तब से इज बिहेविंग लाइक अ डॉग ओनली. जिम जा रहा हूं मैं. ये नहीं, यहीं पर कूद तो 50 बार 100 बार. कोई आया, चल भाग. किसी तरह सोम ने सोने दिया मेरे को और अब बच चुका है 4:30. मैं अब सो के उठी हूँ, 5:30 हमें निकलना है. मैं फटाफट से अब तैयार हो जाती हूँ. सोम तो अभी तक वापस नहीं आया, उसको भी बुला लेते हैं. रेडी हो चुके हैं और अब तब पे पहुंच गए हैं हम अपने फाइनल वेन्यू पे. अंदर जा रहे हैं हम डिनर के लिए. वहाँ पे है डिनर, मोस्टली सब आ ही चुके हैं. ये कम भी पिघल जाए अगर तुम नहीं आना. अरे वाह. यहाँ से शुरू हुई कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंसेस और हो भी क्यों ना, ऑल ऑफ देम वर मीटिंग आफ्टर 25 इयर्स. किसी ने सच ही कहा है, कितने ही दोस्त बना लो लाइफ में पर स्कूल कॉलेज की दोस्ती की तो बात ही अलग है. उस शाम का तो समा ही अलग था. अंदर तो बहुत डांस हो रहा है. थोड़ी देर के लिए मैं और सर्वेश आए हैं वॉक करने के लिए बाहर एंड जस्ट सी दिस सुडान ब्लॉक. हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स विद लाइटिंग इन दैट नाइट. एक बज गया रात का और अब हम वापस आए हैं. बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि इतना मजा आया वहाँ सबसे मिलके. खूब डांस किया, अच्छा अच्छा खाना खाया, बहुत सारे लोग मिले. बट अब कल सुबह जल्दी निकलना है तो वापस तो आना ही था. अब फटाफट से मुंह धो लेते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठ के बात करते हैं आपसे. गुड नाइट. गुड मॉर्निंग. बज चुका है सुबह का 8. नहा के हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस अब जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए. वहाँ से सबको बाय बाय करने वाले हैं एंड जस्ट सी ऑल माई स्टफ इज लाइंग लाइक दैट. पैकिंग करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे. इट वॉज सच अ गुड ब्रेक फ्रॉम यू नो कम्प्लीट वर्क, इतना काम चल रहा था. तो अभी चलते हैं पहले ब्रेकफास्ट के लिए. सोम तो ऑलरेडी जा चुका है अपना जिम, स्विमिंग कर रहा है नीचे. सर्वेश भी नीचे जा चुके हैं क्योंकि ही इज मीटिंग ऑल हिज फ्रेंड्स एंड ऑल. आई विल ऑल्सो गो हैव माई ब्रेकफास्ट एंड देन कम बैक एंड पैक द स्टफ. लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट. You're a liar, liar. Your heart's on fire, fire. And I'm ringing the alarm, the alarm. I keep my heart tight. Nikal chuke hain hum. Samay se bye to Pune. Yaar nahi jana. Nahi jana. Achhi trip thi. Bahut achhi trip thi. Maza aaya. Sanesh, aapko jana hai? Mujhe bhi nahi jana. Nahi jana. Man nahi kar raha. किसी का मन नहीं कर रहा है जाने का छोड़ के, लेकिन क्या करें, जाना तो है. एंड दिस इज हाउ आवर ट्रिप कम्स टू एन एंड. और अब करते हैं हम गाड़ी शुरू क्योंकि है फिर से 12 घंटे की जर्नी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.